सेक्शन वन का ये सबसे पहले फ्रेम बनाने के लिए नीचे जो हम इसके पहले बेस बनाएंगे उसमें ये रोड होगी आपके पास और इस तरह की दो साइड्स होंगी आपके पास लेफ्ट और राइट। सबसे पहले आपने ये यहाँ पे इसमें अटैच करना है, ये बटन यहाँ से दबाएंगे, सिंपल यहाँ पे ये लॉक हो गया। ये इसके बाद फिर सेकंड इसका ये फ्रेम इसके साथ अटैच कर देंगे, इसमें भी ये बटन दबा के ये लग गया। इसके बाद हमने ये रोड इसमें अटैच करनी है फ्रेम के साथ, इसमें भी यहाँ पे ये नीचे बटन दिए हुए, स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं होगा आपका, आपने सिंपल बटन से ये दोनों बटन इस साइड पे भी इसी तरह बटन से ये रोड से अटैच कर लेंगे, ये आपकी फ्रेम बन जाएगी इसमें नीचे की। ये स्टेप वन में हमने इसकी फ्रेम बनाई है नीचे की जो बेस होती है। उसके बाद जब हम इसकी बेसलेट बनाएंगे, सबसे पहले आप ये देखें ये दो लॉक्स होंगे आपके पास, ये आपने लगाने हैं यहाँ फ्रेम में इस जगह पे जो होल बना होगा यहाँ पे इन लॉक्स का, यहाँ पे आप इनको फिट कर देंगे नीचे। ये दोनों यहाँ साइड पे लग जाएंगे। इसको बनाने के बाद फिर आपके पास ये दो लॉक्स होंगे साइड के इसके, इसमें भी लेफ्ट और राइट दोनों पे मेंशन है, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो इस जगह पे भी दोनों पे लेफ्ट राइट मेंशन किया है कि कौन सी रोड किस जगह कहाँ पे लगेगी। सबसे पहले जब आप ये रोड लगाएंगे इसको पहले बाहर खींचेंगे, टर्न कर देंगे इसको, टर्न करने के बाद आपने ये दो पीस होंगे आपके पास, इस पर लेफ्ट राइट दोनों पे मेंशन है, यहाँ पर भी लेफ्ट राइट दोनों पे मेंशन किया हुआ है। आपने ये लॉक इसको यहाँ से इसको अनलॉक करना है, अनलॉक करके इसको पूरा टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद आपने रोड को इस तरह लगानी है, यहाँ पे आपके पास स्क्रूज होंगे, दो साइज के स्क्रू होंगे, एक छोटा साइज होगा और एक बड़ा साइज। छोटा साइज लगेगा यहाँ पे इसकी बेस में, नीचे ये दो लगेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने दोनों लेफ्ट राइट इसके स्क्रू के साथ लगा दिए ये। इसके बाद फिर आपने यही बटन यहाँ से वापस खींच के इसको स्ट्रेट कर लेना दोनों साइड से। स्ट्रेट करने के बाद ये रोड होगी आपके पास, इसपे भी लेफ्ट राइट दोनों में मेंशन है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह आएगी, और हमारे पास थे चार दो साइज के स्क्रू थे, हमने छोटे वाले लगाए पहले इसके लॉक्स में नीचे, और बड़े वाले साइज के दो स्क्रू, चार जो स्क्रू हैं वो यहाँ इसमें ऊपर लगेंगे यहाँ साइड से, इस जगह पे लगेंगे दोनों साइड से। ये हमने पहले इसकी साइड की दोनों ये इसकी फ्रेम लगाए, तो उसके बाद फिर हमने ये स्क्रू लगाए इसमें, ये फ्रेम इसमें ये लगा के रोड दो स्क्रू इस साइड से यहाँ पे लगाए थे, दो यहाँ पे लगाए थे। आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको लगाने, पहले ये साइड पे लगाएंगे लेफ्ट राइट देख के, उसके बाद फिर इस रोड का लेफ्ट राइट देख के फिर आप ये लगाएंगे, इसके बाद फिर इसमें लगेगी ये रोड, ये यहाँ पे इसमें अटैच होगी, बटन इसके दबा के यहाँ से यहाँ इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद फिर ऊपर इस पे यहाँ पे ये लगेगा क्लिप इसका,
ये दोनों क्लिप हमने यहाँ पे इसमें अटैच कर दी है। पहले हमने ये रोड लगाई, फिर हमने ये रोड इसमें अटैच किए, इसके बाद एंड में इसकी ये क्लिप लगा दी हमने ऊपर। अब इसके बाद जो बेसमेंट है इसकी, इसकी हमने यहाँ पे ये रोड इसमें अटैच करनी है। पहले हमने ये इसकी रोड्स इसके ऊपर यहाँ पे ला के रखी है, फिर इसमें साइड पे यहाँ पीछे बटन होता है, हल्का सा बटन को प्रेस करके अंदर रोड्स इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड से इसी तरह यहाँ पे ये बटन से इसमें नीचे दबा के बटन इजी रोड इसकी कंप्लीट हो गई। हमने बेसनेट की चारों साइड से ये रोड्स लगा के इसको कंप्लीट कर लिए। अब हमने इसकी फ्रेम के साथ इसको अटैच करना है। इसमें भी यहाँ साइड में लेफ्ट राइट इसका लिखा हुआ, वो आपने देखना है, पहले चेक करना है कि लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा, फिर उसके बाद आपने सबसे पहले कि आपने ये चेक कर लेना कि यहाँ से ये बटन इसका अनलॉक हो, अगर लॉक होगा तो इसको अंदर थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर इसको टर्न कर देंगे, ये लॉक हो गया। अनलॉक करने के लिए फिर वापस प्रेस करके इसको अनलॉक कर देंगे। दोनों को पहले अनलॉक करना है आपने, उसके बाद फिर लेफ्ट और राइट इसको ला के या लॉक के ऊपर दोनों साइड से इसको सिंपल इसके ऊपर रख के फिर आप इसको लॉक कर देंगे। ये हो गया लॉक। हाइट एडजस्ट करने के लिए इसकी ये साइड में बटन दिए हुए, इन दोनों को ऊपर करके आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी हेड के नीचे सपोर्ट के लिए ये दिया हुआ एक लॉक जो यहाँ ये नीचे लग जाएगा। जब हम इसको एडजस्ट करते हैं सीट बनाने के लिए, यहाँ साइड पे इसकी ये लॉक दिए हुए दोनों बटन, इनको आप बाहर की साइड खींचेंगे वापस इसको स्लीपिंग बनाने के लिए। जब आपने इसको बैठ कर रखना हो वापस इसको यहाँ से अनलॉक करके बेसमेंट में पूरा आप बाहर निकाल लेंगे। ये कंप्लीट तैयार हो गया, रेडी।